अब हम ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक्स के बारे में जानेंगे। जो ज्वरनाशी है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग बहुत अधिक तापमान शरीर का जब हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए, कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध जो एक ज्वरनाशी है जिसे हम एस्प्रिन कहते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा कि एस्प्रिन दर्दनाशी एनाल्जेसिक की तरह भी कार्य करता है। तो ये एस्प्रिन जो है वो वास्तव में इसका जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इसकी संरचना को हमने देखा कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है COOH और COOH के ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ा हुआ है OCOCH3, इसलिए इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इसी तरह पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में इस तरह हम मान लेते हैं कि बेसिक जो संरचना है वो फिनॉल की हो गई और फिनॉल के यानी OH के पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NHCOCH3। फिर है फिनेसिटीन। फिनेसिटीन के स्ट्रक्चर को भी हमने देखा कि बेंजीन रिंग है और OC2H5 है और इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NHCOCH3। तो ये जो पैरासीटामोल होता है, प्रायः जितने भी एंटीपायरेटिक्स होते हैं उसके कॉम्पोजिशन में आप देखिएगा कि पैरासीटामोल अवश्य ही होता है। तो ये एक बहुत अच्छा ज्वरनाशी माना जाता है। एस्प्रिन का प्रयोग तो दोनों में ही करते हैं, ज्वरनाशी के रूप में भी और दर्दनाशक के रूप में, लेकिन एस्प्रिन का प्रयोग देखा गया है कि ये रक्त का थक्का बनने से भी रोकता है एस्प्रिन, तो इसलिए इसका प्रयोग जब दिल का दौरा रोकने के लिए भी किया जाता है। तो ज्वरनाशी औषधियों के सेवन से कई बार हम देखते हैं कि बहुत अधिक पसीना आता है और अपने आप ही जो शरीर का तापमान है वो कम होने लगता है। अब हम कुछ एंटी माइक्रोबियल्स या प्रति सूक्ष्म जैविकों के बारे में जानेंगे। तो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे रसायनों की खोज होने लग गई थी जो कि शरीर पर होने वाले जो आक्रमणकारी जीव हैं उसको ख़त्म करते थे, उस पर प्रभाव डालें लेकिन होस्ट पर वो प्रभाव ना डालें। तो ऐसे औषधियों की, ऐसे रसायनों की लगातार खोज हो रही थी। इसी दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक थे पॉल एर्लिश, उन्होंने देखा कि सिफिलिस के इलाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो सिफिलिस के इलाज के लिए उन्होंने प्रयास किया कि कुछ कम विषैले पदार्थ लेकर उसके जीवाणु को दूर करने का कार्य करें। तो इसलिए उन्होंने इसी उद्देश्य से आर्सेनिक पर आधारित कुछ संरचनाओं की जांच की और आर्स फेनामीन बनाया। ये जो आर्स फेनामीन है इसको सेल्वर सेन नाम से बाद में जाना गया। तो ये जो आर्स फेनामीन है इसमें हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना में हम देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है और उसके साथ जुड़ा हुआ NH2 और उसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है OH है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, लेकिन इसको हम एनिलीन भी कह सकते हैं या ऑर्थो एमिनो फिनॉल भी कह सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं AS डबल बॉन्ड AS और इसके अगले पोजीशन पर AS के साथ ही जुड़ा हुआ एक और हम कह सकते हैं या ऑर्थो एमिनो फिनॉल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी देखिए बेंजीन रिंग है, OH है और OH के साथ जुड़ा हुआ ऑर्थो पोजीशन पर NH2 है। तो इस तरह से ये संरचना बनी। आर्स फेनामीन या सिल्वर सेन की खोज के लिए पॉल एल्लिश को 1908 में नोबल पुरस्कार दिया गया और ये सिफिलिस के लिए खोजा गया पहली औषधि थी जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। सिल्वर सेन मानव के लिए विषैला सिद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि सिल्वर सेन जो है उस पर हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक है और आर्सेनिक विषैला होता है, लेकिन इसका प्रभाव सिफिलिस के जो जीवाणु है स्पाइरोकीट उस पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, लेकिन मनुष्य के लिए ये जो दवाई थी वो बहुत ज़्यादा घातक थी, लेकिन इसके कीटाणु जो स्पाइरोकीट है उस पर ये बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न करते। पॉल एर्लिश ने जब कार्य किया, जब सिल्वर सेन बनाया, उस समय उन्होंने आर्सेनिक पर कार्य किया। उसी समय पॉल एर्लिश एजो रंजकों पर भी कार्य कर रहे थे। जो ये एजो रंजक होते हैं इसमें एन डबल बॉन्ड एन होता है और सिल्वर सेल में हम देख रहे हैं कि AS डबल बॉन्ड AS है। तो इसकी संरचना लगभग लगभग एजो रंजक के जैसी ही उन्हें लगी, तो उन्होंने फिर प्रयास किया कि आर्स फेनामीन में उपस्थित जो AS डबल बॉन्ड AS है उसको और एन डबल बॉन्ड एन जो है एजो रंजक उन दोनों को रिप्लेस
करके भी है, क्योंकि उनके गुणों में बहुत अधिक समानता थी, क्योंकि आर्सेनिक भी जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट होता है, तो उसी आधार पर उन्होंने और इसके जो व्युत्पन्न हैं उन्हें बनाने की कोशिश की। तो बाद में जो पॉल एलिश है उन्होंने ऐसे यौगिकों की खोज की जो कि एजो रंजकों से मिलते जुलते थे और जिनका जीवाणुओं पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता था या जो जीवाणुओं पर बहुत अधिक प्रभावी हो रहे थे, तो ऐसे औषधियों की खोज उन्होंने की। बाद में जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक थे गेरहार्ड डोमैक, उन्होंने 1932 में प्रोंटोसिल नामक एक औषधि बनाई। ये जो प्रोंटोसिल है इसका जो इफ़ेक्ट है वो एंटीबैक्टीरियल एक्शन लिए हुए होता है और इसकी संरचना बहुत अधिक सेल्वर सेन से मिलती जुलती है, लेकिन इन्होंने जब इसको बनाया तो कोशिश किया कि जो आर्सेनिक है उसके स्थान पर एन डबल बॉन्ड एन लिया। तो यहाँ पर हम संरचना जब देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है सेल्वर सेन की तुलना में। यहाँ पर देखिए NH2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है NH2, यानी एनिलीन ही कह सकते हैं, और इसके मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है एक और NH2 है, और यहाँ N डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N जहाँ पर आर्सेनिक था उसकी जगह पर N डबल बॉन्ड N हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर SO2 NH2, तो ये बन गया प्रोंटोसिल। ये प्रोंटोसिल सल्फेनिल एमाइड में बदल जाती है, तो ये जो सल्फेनिल एमाइड है वास्तव में इसकी संरचना इसी से जुड़ी हुई होती है, एक बेंजीन रिंग है यहाँ पर NH2 और SO2 NH2 है, तो ये बन गया सल्फेनिल एमाइड। यहाँ पर जो हम प्रति सूक्ष्म जैविक पदार्थों के बारे में, प्रति सूक्ष्म जैविक या एंटी माइक्रोबियल जो सब्सटेंस है उनके बारे में हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी जानना है कि ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं या कवक होते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कहेंगे या प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। तो कोई भी ऐसे जीव जो कि रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम रोगजनक कहते हैं या इसे हम रोगाणु कहते हैं। तो प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि जो है वो रोगाणुओं को नष्ट भी करता है, साथ ही साथ इनके विकास को रोकता भी है और उनकी जो रोगजनक क्रियाएं हैं उसको भी ये रोकता है। तो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि उस बीमारी को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, उनकी वृद्धि को रोका जाए, उनको नष्ट किया जाए, तो इनका यही कार्य होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, एंटी फंगल भी होते हैं और एंटी वायरल भी होते हैं। तो क्योंकि जैसा रोगजनक होगा, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, तो जैसा भी रोगजनक होगा उस आधार पर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल ये इसके घटक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ये जो सूक्ष्म जीवों से पर इफेक्ट डालने वाले, जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग होते हैं, उनको हम तीन विधियों से इन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो ये जो तीन विधियाँ होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक होता है जीवाणु नाशक, जीवाणु निरोधक, और एक होता है शरीर में संक्रमण। तो जैसा हमने देखा था कि जीवों की वृद्धि को भी रोकना है, जीवों को नष्ट भी करना है जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी बढ़ाने का कार्य इनके आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये कौन कौन सी विधियाँ हैं, सबसे पहले हमने देखा कि जीवाणु नाशक, तो ये जो जीवाणु नाशक होते हैं ये शरीर में ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका विनाश करते हैं। जीवाणु निरोधक जो हैं वो ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके गुणन को ये रोकने का कार्य करते हैं, और शरीर में होने वाले संक्रमण, शरीर में जो संक्रमण है तो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये वृद्धि करते हैं इस प्रकार के जो औषधियाँ होती हैं। तो ये जो आक्रमणकारी सूक्ष्म जीव के विरुद्ध शरीर की रोग क्षमता को बढ़ाते हैं या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य इस प्रकार के जो औषधियाँ हैं वो करते हैं। जो ये एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं इसे हम फिर तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहले हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीबायोटिक इसे प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीसेप्टिक जिसे पुतिरोधी कहते हैं हिंदी में, और डिसइंफेक्टेंट जो कि विसंक्रामी कहलाता है। पहले हम देखेंगे एंटीबायोटिक।
आप बहुत बार सुनते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक को दिया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, इसकी जो उत्पत्ति है, एंटीबायोटिक शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है, जैसे एंटी है तो एंटी का अर्थ है अगेंस्ट और बायोस का अर्थ होता है लाइफ। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, सूक्ष्म जीवी की वृद्धि को रोकने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो पेनिसिलियम कवक में जो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इसकी खोज जब उन्होंने की तो इसके द्वारा ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, इनके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाद में H.W. फ्लोरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में इनके इसी कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। पेनिसिलिन की संरचना को जब आप देखेंगे तो पेनिसिलिन की संरचना में जितने भी पेनिसिलिन हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन एफ है, तो सभी में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आर यदि है तो आर को यदि हम बदलते जाएंगे तो पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही रहेगा, और आर को जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे तो उसकी जो संरचना है वो भी बदलती जाएगी। तो जैसे सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है सी एच, और यहाँ से जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एन, और ऊपर से हम देख रहे हैं कि सी है और एच है, और यहाँ पर एक पांच सदस्यीय रिंग बना हुआ है जिसमें एस है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3, और नीचे सी एच और सी ओ ओ एच। तो ये पांच सदस्यीय रिंग है, ये चार सदस्यीय रिंग है, और इधर एन एच सी ओ है, और ये आर जुड़ा हुआ है। तो ये जो आर है इसको यदि हम बदलते जाएं तो नाम बदलता जाएगा। जैसे यदि हम R की जगह पर C6H5CH2 लेते हैं तो ये बन जाएगा पेनिसिलिन G। यदि हम R की जगह पर ले लेंगे CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3 तो ये बन जाएगा पेनिसिलिन F। यदि हम R की जगह पर CH2 होल 6 CH3 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा पेनिसिलिन K। इसी प्रकार यदि पेनिसिलिन का और भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन के समान ही पेनिसिलिन वी है, एम्पिसिलिन है, तो यहाँ पर आर की जगह पर यदि हम बेंजीन रिंग, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 और ये CH2, तो ये एम्पिसिलिन बन गया। यदि हम पेनिसिलिन वी बनाते हैं तो आर की जगह पर C6H5OCH2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन जो एक औषधि होती है ये एंटीबायोटिक है और बहुत ही प्रचलित है, लेकिन इससे कई बार हर मनुष्य को ये सूट होगा ये आवश्यक नहीं है, इससे एलर्जी भी हो जाती है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ये मरीजों को टेस्ट करके ही दिया जाता है। तो यहाँ जब हम पेनिसिलिन के कुछ ऑप्शनल और भी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे तो वो होता है एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन। ये जो ऐसी दो दवाइयाँ होती है एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, ये पेनिसिलिन के ही अर्धसंश्लेषित रूपांतरण है, यानी पेनिसिलिन के समान ही होते हैं लेकिन पेनिसिलिन से और अधिक इफ़ेक्टिव होते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि पेनिसिलिन से किसी किसी मनुष्य को एलर्जी भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, तो ये जो एम्पिसिलिन है या एमोक्सिलिन है ये जो दवाइयाँ होती हैं इसमें एलर्जी कम होती है। जो ये एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को मारता है, और एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होते हैं, तो ये बैक्टीरिया की वृद्धि को, उसके गुणन को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक का जो एक्शन होता है वो एंटीबैक्टीरियल जो एक्शन होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तरह का हो सकता है कि ये बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरे तरह का ये होता है कि ये बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अन्य एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो उपयोग है वो टीबी के उपचार में किया जाता है, किडनी और गले और लंग्स के संक्रमण में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरेम्फेनिकॉल जिसे हम व्यापारिक नाम क्लोरोमाइसिटिन के नाम से जानते हैं, क्लोरेम्फेनिकॉल जो है वो टाइफाइड में, डायरिया में, इन्फ्लुएंजा, पेचिस, निमोनिया, मेनिनजाइटिस,
कुकर, खांसी, इतनी सारी संक्रमण में ये प्रभावी होते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक एंटीबायोटिक होता है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल की संरचना को जब हम देखते हैं तो यहाँ भी एक नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर को आप देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का है और इस NO2 के पैरा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है CH OH, और CH से फिर जुड़ा हुआ है CH, और इस CH से जुड़ा हुआ है NH CO CH Cl2, और इससे जुड़ा हुआ है CH से जुड़ा हुआ है CH2 OH। तो यहाँ पर ये क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरामफेनिकॉल बहुत ही प्रभावी एक एंटीबायोटिक होती है। अब हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो हाइड्रानेफ्थासीन एक ढांचा होता है, और जो टेट्रासाइक्लिन है इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये बैक्टीरिया या विषाणु, परजीवी, इन सब में ये बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। यानी इस तरह के रोग जनकों के प्रति ये जो टेट्रासाइक्लिन है बहुत अधिक इफ़ेक्टिव होते हैं। अब हम प्रतिजैविकों के दो मुख्य जो प्रकार हैं, जैसा हमने देखा था कि जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी, तो इनके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जो जीवाणुनाशी प्रकार के जो एंटीबायोटिक है इसमें पेनिसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, ऑफ्लोक्सासीन है। इसी प्रकार जीवाणु निरोधी जो होते हैं उसमें एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरामफेनिकॉल है। तो इस प्रकार से जो कुछ दवाइयों का वर्ग है एंटीबायोटिक दवाइयों का, वो इस प्रकार से कार्य करता है। कुछ जीवाणुनाशी होते हैं जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, और कुछ जीवाणु निरोधी होते हैं जो जीवाणु के वृद्धि और गुणन को कम करते हैं। अब हम जो ये प्रतिजैविक है इसकी क्रिया के स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो ये स्पेक्ट्रम शब्द जो है वास्तव में यहाँ पर इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक है इनके रेंज को बताता है कि किस तरह के रेंज पर ये बहुत अधिक इफ़ेक्टिव होते हैं। तो जीवाणु या जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उसके संपूर्ण परास यानी पूरे उसके रेंज जिस पर कोई भी जो एंटीबायोटिक है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये कहलाता है एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम। यानी किस रेंज पर वो कार्य करते हैं, किस तरह के रेंज में, यानी वो कम इफ़ेक्टिव होते हैं या कुछ सिलेक्टेड जीवाणुओं पर कार्य करते हैं या बहुत तरह के जीवाणुओं पर कार्य करते हैं, इस आधार पर उसके रेंज को, उसके स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह से इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा है सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और अगला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं या जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होते हैं, ये वास्तव में क्या होते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव जीवाणुओं पर ही कार्य करते हैं या उनके विरुद्ध ही कार्य करते हैं। तो यहाँ ग्राम जो पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं वास्तव में इनका जो कलर है वो पर्पल स्टेन होते हैं, पर्पल स्टेन स्टेनिंग टेस्ट में ये पर्पल स्टेन कलर देते हैं, और जो ग्राम निगेटिव होते हैं वो पिंक स्टेन देते हैं जब ये टेस्ट किया जाता है। तो ये जो नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होते हैं वो या तो ग्राम पॉजिटिव या तो फिर ग्राम निगेटिव पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो इसे हम संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो है पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी जो है वो मुख्य रूप से देखा गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि या तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु पर ही कार्य करेंगे या तो ग्राम निगेटिव जीवाणु पर ही कार्य करेंगे, दोनों पर एक साथ इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। तो ये हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब हम सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो केवल एक ही जीव या एक ही प्रकार के रोग पर प्रभावी होगा, यानी ऐसे एंटीबायोटिक औषधियाँ जो केवल एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रकार के जो पैथोजन है, एक ही प्रकार के रोग पर ही इफ़ेक्ट डालेंगे, किसी अन्य पर वो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसी प्रकार है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव,
एवं ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के बहुत विशाल रेंज पर कार्य करते हैं। दोनों प्रकार के जीवाणुओं को ये विनाश कर सकते हैं, दोनों प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि और गुणन को ये रोक सकते हैं। इसे हम विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा, क्लोरेम्फेनिकॉल या जिसे क्लोरोमाइसिटीन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो क्लोरेम्फेनिकॉल होता है वास्तव में ये बैक्टीरियोस्टैटिकल एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट डालता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिकल एंटी बैक्टीरियल जो इफेक्ट ये डालता है, तो ये जो हमारे शरीर में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर बहुत जल्दी ये अवशोषित हो सकता है और इसी वजह से इसका प्रयोग कई सारे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये जो क्लोरेम्फेनिकॉल है वास्तव में इसका उपयोग जो है वो इसके प्रभाव के कारण, जो इसका प्रभाव है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, ये बहुत तेज़ी से अवशोषित हो सकता है। इसी वजह से इसकी इसको कई सारी बीमारियों को ठीक करने में इसको उपयोग करते हैं, जैसे कि टाइफाइड हुआ, मेनिनजाइटिस, बुखार या डायरिया है, डिसेंट्री है या यूरिन इन्फेक्शन है, निमोनिया है, इस तरह के कई बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी श्रेणी में कई और एंटीबायोटिक है, जैसे एम्पिसिलिन है, ऑफ्लोक्सासीन है, ये सभी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। डिसेडेजिरिन है जो कि कैंसर कोशिकाओं पर बहुत अधिक इफेक्ट डालती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को नष्ट करने वाले एंटीबायोटिक होते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और जो ग्राम निगेटिव जीवाणुओं को नष्ट करने वाले होते हैं वो एमोक्सिलिन। तो जैसा हमने पहले ही देखा था कि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही कार्य करेगा या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम एमोक्सिलिन को इस रूप में भी देख सकते हैं कि वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी हो सकता है, क्योंकि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर कार्य करता है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला जो एंटी माइक्रोबियल वर्ग है वो है एंटीसेप्टिक का। यहाँ पर एंटीसेप्टिक शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक शब्द से हुई है। यहाँ पर जो सेप्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति सेप्टिकोस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सड़ना। तो ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं या पुतिरोधी जिसे कहा जाता है, ये इस प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और मनुष्य के जीवित ऊतकों को ये नष्ट नहीं करते हैं। भले ही मनुष्य के जो जीवित कोशिकाएं हैं उस पर किसी प्रकार का घाव है, चोट है, इसको ये ठीक करने का कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य के जो जीवित ऊतक है उस पर कुछ बुरा प्रभाव ये नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे कटने पर, घाव होने पर, अल्सर होने पर या त्वचा की सतह पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दूर करने के लिए इस प्रकार के एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही प्रमुख जो एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सोफ्रामाइसिन है, डेटॉल है, टर्मिनियॉल है, इन सब का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो डेटॉल की संरचना में आप देखिए किस प्रकार से एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, और इस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में CH3 है, Cl है और CH3 है, और इसी के मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ OH है। तो इस प्रकार से ये डेटॉल का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो डेटॉल के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर CH3 है, Cl है, CH3 है और फिर CH3 के मेटा पोजीशन पर OH है। इसी प्रकार ऐसा ही एक स्ट्रक्चर टर्पिनियॉल का होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग दिख रहा है लेकिन वास्तव में अंदर पूरा बेंजीन रिंग नहीं है। इसको हम साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन है बेसिक स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ C के साथ जुड़ा हुआ है CH3, CH3 और OH। तो CH है और उसके साथ जुड़ा हुआ CH3, CH3, OH है। तो इस प्रकार टर्पिनियॉल का स्ट्रक्चर हो गया। जब हम डेटॉल के स्ट्रक्चर को बहुत डीपली देखते हैं तो ये वास्तव में दो चीज़ों का मिश्रण होता है। डेटॉल दो केमिकल्स का मिश्रण होता है जिसमें क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनियॉल, इन दो केमिकल्स का ये मिश्रण होता है।
इसी प्रकार बायोथायोनॉल, जो ये बायोथायोनॉल होता है इसे साबुन में डाला जाता है, साबुन जो एंटीसेप्टिक साबुन का प्रयोग हम करते हैं तो उनमें बायोथायोनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये साबुन के एंटीसेप्टिक गुण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जो साबुन होते हैं वो त्वचा की सतह पर जीवाणुओं की क्रिया से जो कई बार गंध उत्पन्न हो जाता है उसको लगाने से इस प्रकार का जो स्मेल है, इस प्रकार का जो एक्शन है वो दूर हो सकता है। तो इसका प्रयोग कई बार फेस पाउडर में, डिओड्रेंट में, इसमें भी किया जाता है। तो बायोथायोनॉल का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो एंटीसेप्टिक का ही होता है और इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार डिओड्रेंट हो, चाहे साबुन हो, चाहे किसी प्रकार का फेस पाउडर वगैरह हो, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बायोथायोनॉल के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, चूँकि यहाँ थायो शब्द है तो यहाँ एस अवश्य होगा, तो इस थायो शब्द में एस का होना, तो ये एस की वजह से दो बेंजीन रिंग आपस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन रिंग और इधर भी बेंजीन रिंग, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया और दोनों को एस से जोड़ दिया। इस बेंजीन रिंग से सीएल है और सीएल है दो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं और सीएल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है ओएच। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो दो सीएल है वो मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और ये सीएल और ओएच एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो बायोथायोनॉल भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। जैसा हम प्रयोग करते हैं टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन कई बार घाव वगैरह में लगाने पर घाव को भरने का कार्य करता है। तो वास्तव में ये जो आयोडीन का ही एक सॉल्यूशन होता है जिसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक एंटीसेप्टिक होता है। इसका अल्कोहल जल का 2 या 3% जो घोल है वो होता है और इसमें आयोडीन का टिंचर ये कहलाता है, या टिंचर आयोडीन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है और इसका प्रयोग भी घाव को धोने के लिए किया जाता है। कई बार घाव का जब इलाज किया जाता है तो प्रारंभिक रूप से जब घाव को धोते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म जो है ये भी घाव को भरने में बहुत अधिक उपयोगी होता है, लेकिन आयोडोफॉर्म जो है वो उसका जो ऑर्गेनो आयोडीन कंपाउंड जो है वो मुख्य रूप से घाव के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। बोरिक अम्ल ये भी बहुत अच्छा एक एंटीसेप्टिक होता है जो आँखों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बोरिक एसिड का बहुत अधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रयोग दुर्बल एंटीसेप्टिक के रूप में आँखों के लिए किया जाता है। यूरोट्रोपिन ये भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है और इसका जो केमिकल नाम है वो है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इनका प्रयोग मुख्य रूप से यूरिनरी इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए किया जाता है। तो वास्तव में ये जो यूरोट्रोपिन है और मेंडेलिक अम्ल का मेंडलामोन के रूप में इसका जो एक यौगिक बनता है उसका प्रयोग इस तरह के बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो जब हम यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरा जो N और CH2 है ये सब एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, यानी हम स्टार्ट करेंगे N से, फिर CH2, फिर N, फिर CH2 और फिर यहाँ पर N। तो इस तरह से इस N से जुड़ा हुआ एक और CH2, फिर CH2 से जुड़ा हुआ N, फिर N से जुड़ा हुआ है CH2 और फिर ये N और N से जुड़ा हुआ यहाँ पर CH2 और ये N। तो इस प्रकार से ये CH2 whole 6N4 बना। तो ये जो यूरोट्रोपिन और मेंडेलिक अम्ल का एक मिश्रण है जिसे हम मेंडलामोन के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग जो है वो एक अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब हम एंटीमाइक्रोबियल का जो एक अंतिम भाग है जिसे रोगाणुनाशी, विसंक्रामी या डिसइन्फेक्टेंट कहते हैं। डिसइन्फेक्टेंट्स का प्रयोग हम अपने घरों में फर्श साफ़ करने में या जो ड्रेन्स है या यंत्र हैं इनको साफ़ करने में करते हैं और कई जगह पे हम देखते हैं जैसे हॉस्पिटल हुआ या रसोई घर है या जब सर्जरी होती है किसी प्रकार की तो उसके जितने भी उपकरण होते हैं वहाँ पर डिसइन्फेक्टेंट से उसकी सफाई की जाती है ताकि उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जो है वो ना रहें और वो नष्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विसंक्रामी या रोगाणुनाशी या जिसे डिसइन्फेक्टेंट कहते हैं। तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव इनको नष्ट करते हैं
और प्रायः इसका जो प्रयोग है वो निर्जीव वस्तुओं पर ही की जाती है, इनका प्रयोग जो है वो जीवित उत्कों पर करना हानिकारक होता है, जीवित उत्कों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रायः डिसइन्फेक्टेंट का प्रयोग फर्श में, नालियों को साफ करने में, यंत्रों को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। या जब भी कभी घाव होता है तो वहाँ पर हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, डिसइन्फेक्टेंट का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार के घाव में। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक ही जो पदार्थ है उसका प्रयोग यदि अलग अलग सांद्रता के आधार पर किया जाए, यानी एक ही केमिकल को अलग अलग सांद्रण में हम डिसइन्फेक्टेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फिनॉल का। फिनॉल का जो 0.2% सॉल्यूशन होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, और फिनॉल का ही जो 1% सॉल्यूशन होता है वह डिसइन्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है। प्रायः हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल में को भी डिसइन्फेक्टेंट बनाया जाता है, तो स्विमिंग पूल को डिसइन्फेक्टेंट बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन के एक निश्चित सांद्रता जिसमें कि 0.2 से 0.4 ppm इसकी सांद्रता होती है, तो इस प्रकार के क्लोरीन का प्रयोग जो है वो स्विमिंग पूल की सफाई करने में की जाती है। और जीवाणुनाशी के रूप में प्रायः जो क्लोरीन का यह सांद्रण है बहुत उपयोगी होता है। पीने के पानी में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी क्लोरीन का जो सांद्रण है वो 0.2 से 0.4 ppm तक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट की। जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है वो भी एक बहुत अच्छा डिसइन्फेक्टेंट माना जाता है। प्रायः इसका जो प्रयोग है वो टॉयलेट क्लीनर के रूप में या ड्रेन की सफाई करने में की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत अच्छा एक रोगाणुनाशी या डिसइन्फेक्टेंट माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा रोगाणुनाशी होता है। जो घरों में हम साफ सफाई करते हैं तो लाइज़ोल का प्रयोग करते हैं, तो ये जो लाइज़ोल होता है वास्तव में ये क्या होता है? ये जो लाइज़ोल है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसोल जो होता है, या जिसे हम मिथाइल फिनॉल भी कहते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, मिथाइल फिनॉल, या जिसे व्यापारिक नाम जिसका क्रिसोल भी है, इसके साथ साबुन का बना हुआ जो सॉल्यूशन है वही कहलाता है लाइज़ोल। तो प्रायः देखा गया है जो फिनॉलिक वर्ग है, पूरा जो फिनॉलिक वर्ग है जिसमें कि फिनॉल भी होता है, ट्राइक्लोसेन भी होता है, ऑर्थोफेनिल फिनॉल भी होता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये डिसइन्फेक्टेंट के रूप में बहुत ही उपयोगी होते हैं। यहाँ पर हम संरचना देखेंगे ऑर्थोफेनिल फिनॉल की। यहाँ पर आप देखिए कि एक फिनॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसी फिनॉल के OH के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है एक C6H5, यानी एक रिंग जुड़ा हुआ है बेंजीन का, इसको हम कहते हैं ऑर्थोफेनिल फिनॉल। इसी प्रकार ट्राइक्लोसेन की संरचना हम देखते हैं, तो ट्राइक्लोसेन में भी आप देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन भी है, और यहाँ पर O है बीच में और इधर भी क्लोरोबेंजीन एक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो क्लोरीन है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के मेटा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार दो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन की सहायता से, तो ये ट्राइक्लोसेन का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये जो पूरा ग्रुप है वो फिनॉलिक ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये डिसइन्फेक्टेंट और जो एंटीसेप्टिक है, यदि हम इसके डिफरेंस को देखें तो दोनों में ही यही बात आती है कि ये दोनों ही सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के या सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन जो एंटीसेप्टिक है इसका प्रयोग जीवित उत्कों पे भी किया जा सकता है, लेकिन डिसइन्फेक्टेंट जो है इसका प्रयोग जीवित उत्कों पर करना बहुत ही हानिकारक होता है।